जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस ब्रीफ वीडियो का पर्पस वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अखबार जो है न्यूज़पेपर की क्या इम्पोर्टेंस है करंट अफेयर्स के लिए एसए के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए और न्यूज़पेपर को सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पढ़ा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट्स। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि न्यूज़पेपर को किस तरह से हमने पढ़ना है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स, वेरियस अदर सब्जेक्ट्स एंड पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश एसे। न्यूज़पेपर इज अ की टू द सीएसएस वर्ल्ड। आपका डेली डे टू डे बेसिस पे करंट अफेयर्स के लिए जो चीज़ें हैं, जो आपका करंट अफेयर्स रिन्यू हो रहा होता है, जो नई चीज़ें पता चल रही होती हैं, एसे के हवाले से जो आपका डाटा है डिफरेंट टॉपिक्स पे, आर्ग्यूमेंट्स, डाटा, लिटरेरी, ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिल रही होती हैं। न्यूज़पेपर में जो फ्रीक्वेंटली रेड न्यूज़पेपर्स हैं, एक है डॉन, एक है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर्स मोस्ट वाइडली रेड हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जहां तक बात है, इसकी लैंग्वेज लिटरेरी है, ठीक है, इसकी लिटरेरी लैंग्वेज है, जबकि जो डॉन की लैंग्वेज है ये जर्नलिज्म वाली लैंग्वेज है। ठीक हो गया। जहां तक कंटेंट की बात की जाए तो डॉन का कंटेंट सीएसएस के लिए ज्यादा बेटर है, ये डोमेस्टिक अफेयर्स जो है आपकी जो पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए, ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स, डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, उसके लिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। बट फॉर द करंट अफेयर्स ज़्यादा अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ग्लोबल इश्यूज पे, डोमेस्टिक इश्यूज पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉन को पढ़ें, डॉन को रीड करें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर आपको ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर घुमाता रहेगा छोटे मोटे इशूज। This newspaper gives you the whole holistic idea from inside to outside. पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया का सारा आपको एक टूर मिलता है इसके अंदर। ठीक हो गया। जब आप इसको पढ़ें, डॉन को अगर आपने पढ़ना है, तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि इस तरह आपने नहीं करना कि आपका पूरा का पूरा जो डे है, सारा का सारा डे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डे आप न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। न्यूज़पेपर को आपने 1.5 टू 2 आवर्स बस, इससे ज़्यादा नहीं रीड करना, डेली बेसिस पे करना है, इतना रीड करना है, इससे ज़्यादा रीड नहीं करना। कुछ स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, वो आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग में, तो आपका टाइम सेव होगा। डॉन को पढ़ते हुए सबसे पहली बात तो आपने डॉन से आइडियाज पिक करने हैं, ठीक है। लैंग्वेज डॉन न्यूज़पेपर की हरगिज नहीं पिक करनी, आपने सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए डाटा, स्टैट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें उठानी है डॉन से, लेकिन डॉन की लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी, क्योंकि डॉन की लैंग्वेज बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की होती है, बहुत लेंथी सेंटेंसेस होते हैं जो कि एसे में रिक्वायर्ड नहीं है, और दे कैन ईजिली कॉज द फेलियर ऑफ योर इंग्लिश एसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसमें बहुत ही एक्सट्रीम से भी वोकैब है, फॉर एग्जाम्पल द प्लान वॉज एक्स्ड, प्लान पे कुल्हाड़ा चल गया, और बहुत ही एक्सट्रीम वर्ब वोकैब होती है और लॉन्ग सेंटेंसेज होते हैं, दोनों चीज़ें आपको एसे के लिए नहीं चाहिए। एसे के लिए आपको मॉडरेट वर्ड्स, सूटेबल वर्ड्स और लिटरेरी एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, उसके लिए बेटर है कि आप कोई लिटरेरी बुक पढ़ें, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। सो
जो इसमें सम एंड द सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी है, डू नॉट पिक द लैंग्वेज और द वोकैब, जस्ट पिक द आइडियाज। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ना किस तरह से है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए। देखिए, इसका एक होता है फ्रंट पेज, एक इसका होता है, इसको आप डोमेस्टिक पेज भी कह सकते हैं। एक आपने ये रीड करना है, डोमेस्टिक पेज आपने रीड करना है। दूसरा आपने इसका बिजनेस पेज, या इकोनॉमिक पेज जो होता है, उसको आपने रीड करना है। थर्ड इसका आपने रीड करना है ग्लोबल पेज। और फोर्थ रीड करना है कोई एडिटोरियल, कोई एक एडिटोरियल। एडिटोरियल से मुराद ओपिनियन जो होता है डिफरेंट राइटर्स का। When it comes to the opinion or the editorial, कुछ मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट सर्टेन गुड राइटर्स इन डॉन जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं डिफरेंट इशूज पे, तो वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर बता दूंगा कि किन किन को आप ज्यादा फॉलो करें। ये चार चीजें आपने अपने डॉन से जो है वो पढ़नी है। अब इन चार चीजों में जो भी आपको चीज मिले, जो भी रेलेवेंट डाटा मिले, जो भी स्टैट्स मिले, आर्ग्यूमेंट्स मिले, उनके आपने नोट्स मेकिंग करनी है। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें हैं। अगर तो आप हार्ड फॉर्म में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्ड फॉर्म में न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट डेटा आपके किसी भी इशू से जो कि रेलिवेंट हो सीएसएस के, उन इशूज को पढ़ना है जो सीएसएस के रेलिवेंट हो। फॉरेन पॉलिसी पे बात हो रही है, डोमेस्टिक इशूज पे बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बात हो रही है, पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात हो रही है विद सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया एंड ऑल दैट, इफ देर इज अ टॉक और द सब्सटेंस गोइंग ऑन द कश्मीर इशू, म्यांमार इशू, कू इन म्यांमार, सीरियन क्राइसिस, एमरजेंस ऑफ न्यू रिजीम इन यूएसए, चेंज ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ रिजीम्स इन रशिया और चाइना, और एनी वल्नरेबल कम्युनिटी दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, वो चीज पढ़नी है जो आपके सीएसएस से रिलेटेड हो। पॉलिटिकल खींचातानी हो रही है, किसी का किसी किसी ने पाकिस्तान के सियासतदान ने किसी पे बात कर दी, किसी का जूता किसी को पड़ गया, किसी की जो है वो किसी की वो वोट बैंक इंक्रीज हो गए, कोई सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, इस तरह की खबरें आपने नहीं पढ़नी, क्योंकि इस तरह का खबर का आप इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू अनलेस एंड अंटिल यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू। सीएसएस में इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। कहीं से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पीएमएलएन ने कितने वोट लिए और क्या, ठीक है, ये माइन्यूट डिटेल्स जो पॉलिटिकल खींचातानी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इस तरह की खबरों को नहीं पढ़ना। नो रिलेशन एट ऑल विद योर सीएसएस। जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स बताए, फॉरेन पॉलिसी हो गया, रिलेशंस हो गया, इन इस तरह के टॉपिक्स को आपने पकड़ना है। और पकड़ने के बाद अगर आप न्यूज़पेपर हार्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो या तो वो जो आप पढ़ रहे हैं उसको कट करके अपने पास एक फाइल बना लें, फोल्डर बना लें, उसके अंदर वो फोल्डर के अंदर वो सारे कटिंग्स मौजूद हों कि आपने इस टॉपिक पे ये चीज़ पढ़ी है, या आप यू कैन गो फॉर द मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो बेटर ये है कि आप वो जो पीस होता है, जो कटिंग होती है, या उसको हाईलाइट करके अपने पास सेव करते जाएं। कोई अगर डेटा मिल गया है, ओपिनियन मिल गया है इकोनॉमिक्स पे, किसी भी चीज़ पे, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द आउटलाइन, मतलब एक ऑनलाइन, अगर आप न्यूज़पेपर को ऑनलाइन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जिस तरह के मैं यूजली पढ़ता हूँ ज़्यादातर, उसमें आपने ये करना है कि जब आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे न्यूज़पेपर आपने ओपन कर लिया है जो कि उनकी वेबसाइट से आता है, तो आपने क्या करना है, नीचे आपने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, ठीक है। और जिस न्यूज़ पे भी आप जाते हैं, जो भी आपको रेलिवेंट डाटा मिलता है, बिलफर्ज आपने, लेट्स सपोज आप बिलफर्ज बिजनेस पेज पे गए, बिजनेस पेज पे आपको सीपैक पे कोई डाटा मिल गया,
सीपेक पे कोई नए वेंचर्स हुए हैं, सीपेक पे कोई नई ब्रेक थ्रू हुई है, उसको आपने वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है जो नीचे आपने फोल्डर ओपन किया हुआ है, और उस फोल्डर को नाम दे देना है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह डिफरेंट फोल्डर्स हों, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, डोमेस्टिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, वाटर इश्यूज इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड द डिफरेंट ग्लोबल पार्टनर्स। सो डिफरेंट आपके ऊपर कैप्शन दे देना है, ठीक है, हेडिंग, और नीचे वो कॉपी पेस्ट कर देना। इसी तरह कोई चीज़ आपको बिल फर्ज मिलती है, आप डोमेस्टिक पेज पे चले गए हैं, फ्रंट पेज पे चले गए हैं, यहाँ पे आपको बिल फर्ज पाकिस्तान की कॉटन के बारे में कोई डाटा मिल गया है कि इस साल पाकिस्तान में कॉटन जो है वो 34% लेस प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है, सॉरी ट्रेड डेफिसिट है, उसको $6 बिलियन का लॉस हुआ है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपके करंट अफेयर्स में इस्तेमाल हो सकती है, ऐसे में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ऊपर क्या नाम दे देना है कि अपना इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या आप उसको एग्रीकल्चरल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह से अभी भी आप देना चाहें। सो आइडिया क्या है कि आप जब भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं उनको कॉपी करके पेस्ट करते जाएं और उनके ऊपर अपना रेलिवेंट कैप्शंस बनाते जाएं कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये जो है रिलेशन से रिलेटेड है, ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। इस तरह आपने ये अमल डेली दोहराना है। इट विल टेक ओनली 1.5 to 2 hours डेली। रीड करें डेली, अपना कॉपी पेस्ट करें, मटेरियल ये इकट्ठे करते जाएं, उनके जो फोल्डर्स, जिस तरह मैंने, अगर आप हार्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो फोल्डर्स बनाते जाएं, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ यू कम अक्रॉस अ गुड नॉलेज बुक, एक अच्छी नॉलेज बुक आपकी बन चुकी होती है, तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। आप उसको भी, अब आपके फोल्डर में चला गया, या अगर आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में आप कॉपी पेस्ट करते गए हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन गेट इट फोटो कॉपीड, यू कैन गेट इट प्रिंटेड, और प्रिंटेड फॉर्म में आप उसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं, सारा गंद मार सकते हैं जो भी आपने उसके ऊपर लिखना होता है। सो इट इन दिस वे ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है आपके करंट अफेयर्स के लिए और इंग्लिश एसे के लिए। इंग्लिश एसे के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं एनकाउंटर करता हूँ कि सर डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, डाटा आपका अपने डेली बेसिस पे आप कलेक्ट करते रहना है। इस तरह से याद रखें, जितनी नॉलेज आपकी न्यूज़पेपर इंप्रूव कराता है, उतनी कोई भी चीज़ इंप्रूव नहीं करा सकती। अदर सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक हो गया। ये सारे पेजेस आपने पढ़ने हैं, फ्रंट पेज, बिजनेस पेज, ग्लोबल पेज, यहाँ से आपको डोमेस्टिक अफेयर्स आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के जो जो इश्यूज हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके इकोनॉमिक इश्यूज मोस्टली कवर हो जाएंगे, क्या क्या इश्यूज पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ हैं, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, सर्कुलर ट्रेड, टैक्स बेस, टैक्सेशन, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ पे पाकिस्तान के रिलेशंस की सारी बात आपको, ग्लोबल डायनामिक्स क्या हो रहे हैं, कहीं पे को हो रहा है, कहीं पे वेरियस किस्म के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, सो यू विल कम अक्रॉस दोज। और एडिटोरियल आपने एक पढ़ना है, कोई एक, ज़्यादा मत पढ़िएगा, कोई एक दिन में एक पढ़ लें, दैट इज़ इनफ। किसी भी इशू पे एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं तो उसका आपको ऊपर कैप्शन दिया होता है कि दिस एडिटोरियल इज़ अबाउट सर्टन थिंग, ये इस इशू के बारे में है, तो वो जो इशू हो उसको आपने पढ़ लेना है और उसके मुताबिक वो एडिटोरियल पढ़ लेना है, ठीक है। एक काफ़ी है, ज़्यादा एडिटोरियल रीड ना करें, एक एडिटोरियल, जो भी बर्निंग इशू हो, जो भी दुनिया में पाकिस्तान में जो बर्निंग इशूज़ होते हैं उस पर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे होते हैं, जो भी आपको लगे कि यू वांट दिस मैटर टू अंडरस्टैंड मोर, यू वांट इन डेप्थ एनालिसिस इन दिस मैटर, उससे रिलेटेड आप ओपिनियन पढ़ें, ओपिनियन एक पढ़ें, लाजमी पढ़ें। कुछ पाकिस्तान के राइटर्स डॉन में जो लिखते हैं उनके बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूँ, सो दैट यू कैन, व्हेनेवर यू गो फॉर द ओपिनियन पेज, आप इधर उधर भटकने के बजाय इन राइटर्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज माई फेवरेट, बहुत ज़्यादा इसको मैं पढ़ता हूँ। पहला पहला है जाहिद हुसैन, ठीक है, जाहिद हुसैन को पढ़ा करें। जाहिद हुसैन आपको सिविल मिलिट्री रिलेशंस,
सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बहुत अच्छा लिखता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन जनरल और अफगान पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज, और एफ पाक जो रिलेशंस हैं उन पे जाहिद हुसैन के बहुत अच्छे आर्टिकल्स मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा एक राइटर है, दैट इज आमिर राना। आमिर राना को भी आप रीड किया करें। इसकी एक्सपर्टीज जो है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज पाकिस्तान के, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज पे ही राइट्स। इसके अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जो नॉन सिक अपना एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, या कह लें कि नॉन स्टेट एक्टर्स, उन पे ये बंदा बहुत अच्छा ग्रिप रखता है। इन इश्यूज पे इफ यू वांट टू रीड हिम यू विल कम अक्रॉस दीज इश्यूज, ये आपके अच्छे हैंडल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मलीहा लोधी को लाजमी रीड किया करें। मलीहा लोधी पाकिस्तान, शी वॉज द फॉर्मर पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनाइटेड नेशंस, नाउ शी हैज बीन रिप्लेस्ड विद मुनीर अकरम। मलीहा लोधी हर सेल्फ इज अ CSP फॉरन अफेयर्स, सो शी राइट्स थिंग्स पर्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द CSS रिक्वायरमेंट्स। ऑल ऑफ हर आर्टिकल्स आर वेरी गुड, ऑल ऑफ हर ओपिनियंस आर वेरी गुड, एंड शी पर्टिकुलरली कम्स अप विद दोज आर्ग्यूमेंट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड फॉर द CSS स्टूडेंट्स। सो आई रिकमेंड इसके जो भी, इनके जो भी आर्टिकल्स आते रहते हैं आप उनको रीडिंग दिया करें। इसके अलावा आप अशरफ जहांगीर काजी को भी, अशरफ जहांगीर काजी, इनको भी रीड किया करें। ही इज अ वेरी गुड राइटर, ठीक है। ये फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे ही हैज अ कंसिडरेबल ग्रिप। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियोज हैं, पाकिस्तान के करंट इश्यूज, जिसमें बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान में आ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस टू इकोनॉमिक इश्यूज, चाइल्ड एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इश्यूज, चाइल्ड इश्यूज, मिसयूज ऑफ, इस तरह के जो इंटरनल इश्यूज पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हैं उन पे ये लिखता रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप रीड किया करें साकिब चौधरी को। साकिब चौधरी इज अगेन अ वेरी गुड राइटर, ये लिटरेरी लैंग्वेज में लिखते हैं, सो दैट इज वाई इसको आप रीड किया करें इनको, ठीक है। ही हैज एक्सपर्टीज ऑन द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी पे ही राइट्स वेरी वेल। और लास्ट में मुनीर अकरम, मुनीर अकरम को अभी तो ही इज नॉट राइटिंग बिकॉज ही इज द ही हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मलीहा लोधी एज द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएन, सो ही इज नॉट राइटिंग करंटली दीज डेज, बट हिज आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटन इन लास्ट ईयर और द प्रीवियस ईयर्स वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियोज इतनी तेजी से नहीं चेंज हो रहे होते कि आप एक साल पुराना आर्टिकल बिल्कुल इररेलीवेंट हो जाए। इनके जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं इंडो पाकिस्तान पे, इंडो पाकिस्तान पे बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, पाकिस्तान के रिलेशंस स्पेसिफिकली विद इंडिया, चाइना, यूएसए एंड रशिया, पाकिस्तान के रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स पे इनके बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही अच्छे आर्टिकल होते हैं। सही माने जो एक एक प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी होती है, या आप कह लें कि एक हॉकिश फॉरेन पॉलिसी समटाइम्स विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, ही राइट्स इन दैट वे, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स इनके लिखे हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ राइटर्स बता दिए हैं इनको आप फॉलो करते रहें डिफरेंट इश्यूज के लिए, सो इनके जो भी ओपिनियंस आते रहते हैं उनको रीड किया करें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द न्यूज़पेपर रीडिंग। सो वट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी, के न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एज वेल एज फॉर द CSS एसे, ठीक है। वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रही हूँ उस तरह से रीड करना है, 1.5 घंटे से 2 घंटा इसको देना है, और इसको नोट्स मेकिंग साथ साथ करते जाना है, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 रेलिवेंट विद योर एसे,
और खासकर आजकल आप देख रहे हैं कि 18 से 17 से जो भी पेपर्स आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स के गिर्द बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रहे हैं। करंट अफेयर्स सेंट्रिक होता जा रहा है सीएसएस। सो इस कंडीशन में व्हेन द सीएसएस गेटिंग करंट अफेयर्स सेंट्रिक, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है न्यूज़पेपर के साथ दोस्ती करना, न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे रीड करना। जिसका आज करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, ही कैन इजीली क्रैक द सीएसएस। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंडिपेंडेंटली एज वेल। स्टे ब्लेस्ड। आई होप के दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।